नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 के लैंडस्केप ऑफ द सोल अध्याय के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इससे पहले अध्ययन कर लिया था और अब हमें यानी चौथे पैराग्राफ तक हमने अध्ययन कर लिया था और अब हमें पाँचवें पैराग्राफ से अध्ययन करना है। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। तो चलिए अपने सीधा चैप्टर पर चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बुक के वर्ड्स की बात करूं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप आज पहली बार देखेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं बुक के शब्दों में भी आपको समझा दूंगा और अपने शब्दों में भी आपको समझा दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस अध्याय को आपके शब्दों में भी समझा दूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। बस बात इतनी याद रखना कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आपने आज पहली बार देखा है। ठीक है, तो कहते हैं कि अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब पेंटिंग। ठीक है, तो अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप मतलब जो चाइना की पेंटिंग होती है इज़ नॉट मीन्ट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। एक्चुअल व्यू मतलब वास्तविक व्यू। वास्तविक व्यू नहीं दिखाते वो, रिप्रोड्यूस मतलब वो लोग जो पेंटिंग बनाते हैं यानी चाइना के पेंटर जो पेंटिंग बनाते हैं उसमें वो वास्तविक चित्रण नहीं करते हैं, यानी उनके जो चित्र होते हैं वो वास्तविक नहीं होते बल्कि काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप जो चाइना की पेंटिंग होती है इज़ नॉट मीन्ट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। उसमें वो लोग वास्तविक चित्रण नहीं करते हैं, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न पेंटिंग में देखने को मिलता है। यानी वेस्टर्न पेंटिंग के जो बनती हैं, वेस्टर्न में जो पेंटिंग बनती हैं, वो लोग अगर शेर देखते हैं तो शेर ही छाप देते हैं। ठीक है, अगर हाथी देख लिया तो हाथी छाप देंगे, विद्यालय देख लिया तो विद्यालय छाप देंगे। तो कहने का मतलब है कि वेस्टर्न पेंटिंग जो होती है उसमें जिस चीज़ को लोग जैसा देखते हैं पेंटर्स उसे वैसा ही बना देते हैं, लेकिन चाइनीज़ पेंटिंग में ऐसा नहीं होता। वो लोग एक्चुअल व्यू नहीं बनाते, यानी उनकी जो कलाकारी होती है वो वास्तविक नहीं होती। ठीक है, तो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। तो चाइना की पेंटिंग्स में जो चित्र होते हैं वो वास्तविक नहीं होते, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। यानी वेस्टर्न पेंटिंग्स में वास्तविक दृश्य होते हैं जबकि चाइनीज़ पेंटिंग में वास्तविक दृश्य नहीं होते। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हीज आइज, वेयर एज विद द यूरोपियन पेंटर्स, तो यूरोप के जो पेंटर होते हैं वॉन्ट्स यू आपसे चाहते हैं टू बोरो हीज आइज कि आप उनकी आँखें ले लें, यानी वो अपनी आँखों से दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये शब्द है, वो चाहते हैं कि आप उनकी आँखों से दुनिया को देखें, यानी जिस चीज़ को वो जैसा देख रहे हैं वैसे ही आप भी देखें। तो यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हीज आइज, यूरोप के पेंटर चाहते हैं कि आप उनकी आँखें लें एंड लुक एट द पार्टिकुलर लैंडस्केप, और पेंटिंग को देखें एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, जैसा कि पेंटर उसे देखता है। यानी पेंटिंग को वैसे ही देखें जैसे पेंटर उस पेंटिंग को देखता है। तो यूरोप के पेंटर चाहते हैं कि आप उनकी आंखें लेकर उस पेंटिंग को वैसे ही देखें जैसे यूरोपीय पेंटर देखता है, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष दृष्टिकोण में। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, द चाइनीज़ पेंटर, लेकिन जो चाइना के पेंटर होते हैं डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट, वो नहीं चाहते कि आप उनकी आँखों से पेंटिंग को देखें, वो एक दृष्टिकोण नहीं अपनाते। ठीक है, जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं वो केवल एक दृष्टिकोण नहीं अपनाते, हीज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, उनकी जो पेंटिंग होती है वो वास्तविक नहीं होती, एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से, यू कैन एंटर इट, आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं, देन ट्रेवल इन इट, और इसमें यात्रा कर सकते हैं, किसमें, पेंटिंग में। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज, द आर्टिस्ट जो पेंटर होता है क्रिएट्स बनाता है अ पाथ फॉर योर आइज, आपकी आंखों के लिए एक रास्ता बनाता है, टू ट्रेवल अप एंड डाउन, ताकि आप ऊपर और नीचे यात्रा कर सकें,
आप मतलब ऊपर डाउन मतलब नीचे, ताकि आप ऊपर और नीचे यात्रा कर सकें, देन बैक अगेन और फिर वापस आ सकें इन अ लेजरली मोमेंट, आराम से, और फिर आराम से शांति से वापस लौट सकें। मैं रिवीजन नहीं करवा रहा क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिवीजन करने लायक हो। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो होता है, कहते हैं कि दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इस तरह की पेंटिंग का एक अच्छा उदाहरण है। चाइनीज पेंटिंग का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल एक अच्छा उदाहरण है। मैं इसे किताब के शब्दों में नहीं बोल रहा, इसे मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल एक तरह की पेंटिंग होती है, या फिर आजकल एक फैशन भी चला है कि कार्ड्स कुछ ऐसे आते हैं कि आप उन्हें फोल्ड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये न्यूज़पेपर है, तो आजकल कुछ कार्ड ऐसे आते हैं ना कि आप उन्हें ऐसे फोल्ड करते चले जाइए और वो आगे खुलते चले जाते हैं, इस तरह से देखा होगा आपने, ऐसे फोल्ड कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, यानी जितना आप इसको आगे खोलते जाएंगे उसमें एक नया चित्र आपको दिखता चला जाएगा। देखिए आगे क्या है, कुछ अलग ही दिख रहा है। देखिए सबसे पहले आपने इसको फोल्ड कर रखा था पूरी तरह से, फिर आपने मोड़ा तो आपको इसमें एक पुरुष दिखाई दे रहा है, फिर आप और आगे मोड़ेंगे तो आपको स्त्री भी दिखेगी, फिर आप और मोड़ेंगे तो आपको बैडमिंटन का ये भी दिखेगा, और आगे मोड़ेंगे तो आपको ये सारी पेंटिंग्स भी दिखेंगी। तो वही सारी चीज़ें कहते हैं कि इसके लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि आप जितना इसको आगे मोड़ते जाते हैं उतना ही ज़्यादा आप इसके बारे में जानते जाते हैं। तो चाइनीज़ पेंटिंग को आप जितना ज़्यादा देखेंगे ना, आप उतना ही अच्छी तरह से उसे जानेंगे। तो जैसे ये है, इसको जितना मोड़ा उसके बारे में उतना देखो, पहले देखा तो इसका कान ही दिख रहा था, फिर देखा तो इसकी दाढ़ी भी दिख गई, फिर इसकी एक आंख दिख गई, फिर और देखा तो इसकी दोनों आंखें दिख गई, फिर और आगे खोला तो पता चला कि इसके साथ एक लड़की भी खड़ी है, फिर और आगे खोला तो लड़की के हाथ में एक बैडमिंटन भी है। तो इस तरह से हर एक चीज़, जितना ज़्यादा आप इसे फोल्ड करते जाएंगे, यानी जितना ज़्यादा आप इसे खोलते जाएंगे उतना ज़्यादा आप इस पेंटिंग इस फ़ोटो के बारे में जानते जाएंगे। उसी तरह से चाइनीज़ पेंटिंग में होता है, जितना ज़्यादा आप उसे देखते हैं उतना ही ज़्यादा आप उसमें खो जाते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मतलब यही चीज़ होती है जिसे आप मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया होगा। तो कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इसका एक अच्छा उदाहरण है चाइनीज़ पेंटिंग के लिए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल एक अच्छा उदाहरण है। या फिर आपके अध्यापक ऐसे भी बता सकते हैं आपको कि चाइना में एक तरह की पेंटिंग होती है जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होती है, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, जिसमें आप धीरे धीरे ओपन करते हैं वन सेक्शन, यानी जब आप एक भाग को धीरे धीरे ओपन करते हैं ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग के, तो जब आप पेंटिंग के एक भाग को धीरे धीरे ओपन करते हैं, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, और फिर रोल अप करते हुए और आगे खोलते हुए ऑन द अदर दूसरे पृष्ठ पर जाते हैं, यानी जितना ज़्यादा आप उसे खोलते जाएंगे उसमें एक नई चीज़ ऐड होती जाएगी। मैंने दिखाया था ना, पहले उसका कान दिखा, फिर उसकी दाढ़ी दिखी, फिर उसकी एक आंख दिखी, फिर दोनों आंखें दिखी। तो जितना ज़्यादा उसे आप खोलते जाएंगे उतना ज़्यादा आप उस पेंटिंग के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे आसान शब्दों में कहता हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। आप ऐसे कह दीजिए सीधा सीधा कि चाइना में एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग होती है, एक पेंटिंग होती है जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल टाइप होती है, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, और जब आप पेंटिंग के एक हिस्से को धीरे धीरे खोलते हैं, देन रोलिंग इट अप, और इसे रोल करते हुए, यानी रोल करना वही घुमाना, क्रीम रोल आप लोगों ने खाया होगा या रोटी रोल करके आप लोग खाते हैं ना, रोल मतलब गोलकार बनाना, तो रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर्स, और आप इसे धीरे धीरे रोल करते हुए या खोलते हुए दूसरे पृष्ठ पर जाते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं, तो एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम। तो इससे क्या होता है, डायमेंशन एड्स, एड मतलब जुड़ जाता है, डायमेंशन मतलब आयाम ऑफ टाइम, टाइम का, तो इससे टाइम का जो आयाम होता है, समय का जो आयाम होता है वो जुड़ जाता है, विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जहाँ पर आप पेंटिंग के दूसरे भाग से अननोन होते हैं, अनजान होते हैं, यानी आप जितना पेंटिंग को खोलेंगे उतना ही आप उसे जानेंगे, ठीक है। और ज़्यादा आसान शब्दों में, दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। आप ऐसे सीधे सीधे कह दीजिए कि चाइना में एक पेंटिंग होती है जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के रूप में होती है,
इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, और जब धीरे धीरे आप इसके एक भाग को स्क्रॉल करके खोलते हैं, घुमा करके खोलते हैं, देन द रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, और फिर रोल करते हुए आप इसके दूसरे भाग पर जाते हैं या खोलते हुए आप इसके दूसरे भाग पर जाते हैं, तो एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम, तो इससे समय का एक आयाम जुड़ जाता है, विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जहाँ पर हम पेंटिंग के दूसरे भाग से अनजान होते हैं। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, तो इट इज आल्सो रिक्वायर्स, इसमें आवश्यकता है द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, यानी व्यूअर जो है, जो व्यक्ति पेंटिंग को देख रहा है, उसकी भागीदारी की भी चाइनीज पेंटिंग में आवश्यकता होती है। वो डिसाइड्स, क्योंकि वो डिसाइड करता है, वो निश्चय करता है एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, कि वह पेंटिंग के किस भाग में यात्रा करेगा थ्रू द पेंटिंग, यानी वही पेंटिंग है, तो वो यह निश्चित करता है या फिर वो ये तय करता है कि वो पेंटिंग के किस भाग में यात्रा करेगा। अ पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, यानी जो भागीदारी होती है ये फिजिकल होती है, शारीरिक भी होती है, एज वेल एज मेंटल, और मानसिक भी होती है, यानी ये भागीदारी दोनों प्रकार की हो सकती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू बोरो हीज आइज, द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट, नहीं चाहते यू टू बोरो हीज आइज, कि आप उनकी आँखें उधार लें, चाइनीज पेंटर नहीं चाहते कि आप उनकी आँखें उधार लें। ही वॉन्ट्स यू टू इंटर हीज माइंड, वो चाहते हैं कि आप उनके मन में प्रवेश करें, यानी उनकी पेंटिंग को देखते हुए आप सोचें कि जब पेंटर बना रहा होगा तो उसने क्या क्या सोचा होगा, तो चाइनीज पेंटर चाहते हैं कि आप उनके मन में प्रवेश करें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ये जो लैंडस्केप है, ये जो पेंटिंग है, इज एन इनर वन, ये आंतरिक है, इनर मतलब आंतरिक, ये आंतरिक है, यानी उसने आत्मा से ये पेंटिंग बनाई है, स्पिरिचुअल, अस्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक है, एंड कंसेप्चुअल स्पेस, कंसेप्चुअल स्पेस मतलब होता है ध्यान की मुद्रा, आप कहिए वैचारिक क्षेत्र, यहाँ पे आपकी बुक में दिया है, ये ज़्यादा ठीक पड़ेगा, आध्यात्मिक व वैचारिक क्षेत्र, तो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, कंसेप्चुअल मतलब वैचारिक, कंसेप्चुअल स्पेस मतलब होता है जब आप ध्यान करते हैं ना, तो जिस अवस्था में आपका मन जाता है उसे बोलते हैं कंसेप्चुअल स्पेस। देखिए जैसे लोग ध्यान करते हैं, साधु वगैरह लोग ध्यान करते हैं ना, आंखें बंद करके मनन करते हैं, तो वो स्पेस जो होता है उसे बोलते हैं कंसेप्चुअल स्पेस, ठीक है, वैचारिक क्षेत्र है तो वैचारिक क्षेत्र ही बोलिए। आगे चलेंगे, अब अगला पैराग्राफ तो बड़ा धमाकेदार है। देखिए जब आप बच्चे थे ना तो आप लोग एक पेंटिंग बनाते थे, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, उसमें पहाड़ होता था, फिर उसके बीच से नदी निकली होती थी, कभी कभी तो ज़्यादा बच्चे कलाकारी करते थे तो वो उसमें पक्षी वगैरह भी बना देते थे और उसमें सूर्य निकलता हुआ भी दिखा देते थे ना, तो इस तरह की पेंटिंग आप लोग बनाते थे। चलिए उसी पेंटिंग का उदाहरण लेते हैं, तो अब आपके सामने जो पेंटिंग आ रही है उसमें आप देख रहे हैं कि एक पहाड़ है और फिर उसके बीच से एक नदी निकली हुई है, ठीक है, इतना क्लियर है ना। देखिए इस पेंटिंग के सहारे ही हम पूरा अध्याय, यानी ये पूरा पैराग्राफ इसी पेंटिंग के सहारे पढ़ेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखिए पेंटिंग के लिए भी थोड़ा सा स्थान देते हैं क्योंकि बुक ठीक है, इतना कर चलेगा। देखना ध्यान से समझना कि दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एट सनसुई, दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है इज एक्सप्रेस्ड, प्रकट प्रदर्शित किया जा सकता है या फिर व्यक्त किया गया है एज सनसुई, सनसुई के रूप में, यहाँ विचार सनसुई के रूप में व्यक्त किया गया है। अब सनसुई क्या है, लिटरली यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर, माउंटेन मतलब पहाड़, वाटर मतलब पानी, तो यहाँ विचार सनसुई के रूप में व्यक्त किया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ पहाड़ और पानी होता है, यानी जो सांसुई शब्द है इसे चाइनीज लोग सांसुई बोलते हैं और हम लोग अपने शब्दों में क्या बोलते हैं, पहाड़ और पानी, तो कहते हैं कि यह विचार सांसुई रूप में व्यक्त किया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ और पानी, यानी सांसुई शब्द का क्या मतलब है, पहाड़ और पानी, विच यूज टूगेदर,
विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, विच यूज टूगेदर जिन्हें एक साथ उपयोग करके रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी जो पेंटिंग है या भूदृश्य है उसका रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इन दोनों को एक साथ प्रयोग करके हम लोग भूदृश्य को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि भूदृश्य में मुख्य रूप से पहाड़ होता है और पानी होता है, ठीक है। तो उसमें ज़रूरी है, ये लोग ज़्यादातर अगर भूदृश्य बना रहे हैं और लैंडस्केप बना रहे हैं तो चाइनीज़ पेंटर जो होते हैं उस पेंटिंग में ज़्यादातर एक पहाड़ दिखाने की कोशिश करेंगे और नदी दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी पानी दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं और आसान शब्दों में आपको बताऊँ तो दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एट सनसुई लिटरली माउंटेन वाटर, यानी यह विचार सनसुई के रूप में प्रदर्शित किया गया है या फिर व्यक्त किया गया है। लिटरली माउंटेन वाटर जिसका मतलब होता है पहाड़ और पानी, विच यूज टुगेदर और इसे एक साथ उपयोग करके रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, भू दृश्य को प्रदर्शित किया जाता है। इन दोनों को एक साथ प्रयोग करके भू दृश्य को प्रदर्शित किया जाता है। लैंडस्केप में अगर पेंटिंग देखेंगे आप, चाइनीज़ पेंटिंग देखिए, एक चाइनीज़ पेंटिंग आपकी स्क्रीन पे आ रही है तो उसमें पहाड़ भी है और पानी भी है, बाकी की अलग चीज़ें जो है उस पर ध्यान मत दीजिए लेकिन पहाड़ और पानी ज़रूर रहेगा, ठीक है। मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, एक पेंटिंग के एक इमेज के दो से अधिक एलिमेंट यानी दो से अधिक भाग। मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज यानी एक पेंटिंग के या फिर किसी फोटो के या फिर किसी चित्र के दो से टू एलिमेंट, मोर देन टू एलिमेंट यानी दो से अधिक भाग। दिस रिप्रेजेंट टू कंप्लीट कंप्लीमेंट्री पोल्स, दिस रिप्रेजेंट ये प्रदर्शित करते हैं टू कंप्लीमेंट्री पोल्स, पोल्स मतलब ध्रुव, कंप्लीमेंट्री मतलब पूरक, तो दो पूरक ध्रुव प्रदर्शित करते हैं। अगर और सीधा सीधा कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि दीज रिप्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल्स, आपकी किताब में दिया है कि ये दो पूरक ध्रुव के प्रतीक होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, किसी पेंटिंग के दो से अधिक भाग, दीज रिप्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल्स, तो ये पोल मतलब होता है ध्रुव, तो दो क्या करते हैं ध्रुव के प्रतीक होते हैं, ये दो ध्रुवों के प्रतीक होते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाउस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का दाउस व्यू यही है, या फिर इस प्रकार दाऊ की विश्व की कल्पना को ये प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आसान नहीं है, थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो गया, मैं समझ सकता हूँ। देखिए कैसे पढ़ना है इसको, देखिए अगर कोई पेंटर पेंटिंग को बनाता है तो वो सिर्फ पहाड़ और पानी को ही तो नहीं बनाएगा ना, वो चाहेगा कि उसमें पक्षी भी हो, इंसान भी हो, घर भी हो, बहुत सारी चीज़ें ऐड करता है ना। तो वही कहते हैं कि मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, यदि किसी पेंटिंग में दो से अधिक चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं यानी पहाड़ और पानी से अलग दोनों कुछ चीज़ें बताई गई हैं या दिखाई गई हैं, आसान शब्दों में समझिए, मेरे शब्दों में समझिए, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, यदि किसी पेंटिंग में इन दोनों के पहाड़ और पानी के अलावा भी कुछ एलिमेंट है यानी इन दोनों के अलावा भी कोई और चीज़ें हैं, तो दीज रिप्रेजेंट तो टू यानी ये दोनों जो चीज़ें हैं यानी पहाड़ और पानी दो चीज़ें जो हैं कंप्लीमेंट्री पोल्स, तो ये पोल हैं ध्रुव हैं कंप्लीमेंट्री यानी वो उस पेंटिंग के पूरक ध्रुव हैं। यानी चाइनीज़ पेंटिंग में चाइनीज़ पेंटिंग को पूर्ण करने के लिए जिसे महत्वपूर्ण माना गया है वो है पहाड़ और पानी, तो पहाड़ और पानी मिलकर कितने हुए दो, तो दो ही तो कह रहा है, तो दीज रिप्रेजेंट्स टू कंप्लीमेंट्री पोल्स, तो ये दोनों जो होते हैं ना ये पेंटिंग के पूरक होते हैं, दो पूरक ध्रुव होते हैं, ठीक ठीक है। तो आसान शब्दों में मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, यदि किसी पेंटिंग में पहाड़ और पानी के अलावा भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं तो उस पेंटिंग के लिए दीज रिप्रेजेंट्स टू कंप्लीमेंट्री पोल्स, तो ये दोनों उस पेंटिंग के लिए दो पूरक ध्रुव हैं यानी पहाड़ और पानी। रिफ्लेक्टिंग द दाउस व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और दाउस का व्यू जो है ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब संसार की जो कल्पना का व्यू है, रिफ्लेक्टिंग इससे प्रदर्शित होता है, इससे दाऊ की संसार की कल्पना प्रदर्शित होती है, या फिर ये दोनों दाऊ की
संसार की कल्पना को दिखाते हैं। कौन? दोनों, पहाड़ और पानी। ठीक है, दाऊ की कल्पना को दिखाते हैं कौन? ये दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। द माउंटेन इज यांग, जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, इज यांग, वो यांग है। यांग एक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पुरुष, उनके शब्दों में, चाइनीज के शब्दों में। ठीक है, द माउंटेन इज यांग, माउंटेन यांग है। रेसिंग वर्टिकली टुवार्ड द हेवन, जो सीधा आसमान की ओर बढ़ रहा है। स्टेबल, स्थिर है। वार्म, गर्म है। एंड ड्राई, और सूखा हुआ है। इन द सन, धूप की वजह से, सूर्य की धूप की वजह से वो सूखा है, गर्म है, स्थिर है और सीधा आकाश की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, वाइल द वाटर इज यिन, जबकि जो पानी है वो यिन है। यिन मतलब फीमेल पावर, लड़की है, महिला है। ठीक है, द वाइल द वाटर इज इन, जबकि पानी जो है वो इन है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, कैसा है? हॉरिजॉन्टल मतलब आप कह सकते हैं एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ, जबकि जो पानी है वो क्षैतिज है। हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज हो गया। एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ, रेस्टिंग ऑन अर्थ के लिए आप यूज कर सकते हैं, रेस्ट मतलब आराम, ऑन द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आराम कर रहा है या फिर धरती पर लेटा हुआ है। आसान शब्दों में इसे थोड़ा सा कहते हैं कि वाइल द वाटर इज इन, जबकि पानी जो है वो इन है। हॉरिजॉन्टल वो क्षैतिज है, यानी ये पहाड़ तो लंबवत था, पहाड़ ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन पानी नीचे की ओर आ रहा है, तो ये क्षैतिज है, जबकि पानी क्षैतिज है। एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ, और पृथ्वी पर या धरती पर लेटा हुआ है या आराम कर रहा है। फ्लूड, द्रव्य है। मोइस्ट, नम है। एंड कूल, और ठंडा है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, द रिप्रेजेंटेटिव फीमेल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स एनर्जी। अब मैं इस चैप्टर को, यानी इतने बड़े बड़े सेंटेंस का बहुत छोटा छोटा मतलब समझाने वाला हूँ, डरिएगा मत। ठीक है, द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, ये जो यिन है ना, ये जो पानी है ना, द रिप्रेजेंटेटिव फीमेल्स एक्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, तो ये विश्व की जो ऊर्जा है उसका स्त्रीय रूप है, नारीय रूप है या फीमेल पावर है। वही चीज़ मैंने बताई कि यिन लड़की है। ठीक है, तो जो यिन है फीमिनाइन मतलब स्त्री है, तो यूनिवर्सल एनर्जी विश्व की ऊर्जा का ये नारीय रूप है। एंड इस कंपार्टमेंट यंग, और इसका जो साथी यंग है, एक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय, एंड मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन मतलब पुरुष, तो ये पुरुष भाग है। और इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और ये दाओइज्म सिद्धांत का फंडामेंटल है। फंडामेंटल है यानी कहने का मतलब, सीधा सीधा आप समझिए कि सीधे अगर मैं कहूँ इसे, तो आपको ऐसे समझना है, द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, द रिप्रेजेंटेटिव फीमेल एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो यिन है वो विश्व की ऊर्जा का नारीय रूप है। एंड इट्स कंपार्टमेंट यंग, और जो यंग है, एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, वो विश्व की ऊर्जा का पुरुष रूप है। इज ऑफ कोर्स द फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और दाओइज्म का सिद्धांत ही कहता है कि इन्हीं दोनों से ये संसार बना हुआ है, यानी ये संसार के मूल रूप हैं। आपको आसान शब्दों में मैंने बता दिया, दाओइज्म सिद्धांत का ये फंडामेंटल है, दाओइज्म में यही सिद्धांत है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इन्हीं से यह संसार बनाया गया है। व्हाट इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अब फिर से कठिन आ गया थोड़ा सा आपके लिए। पहले आप इसको समझ लीजिए, आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये समझ लिया है कि द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फीमेल एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। इस पूरी लाइन का मतलब है कि जो यिन है वो विश्व की शक्ति का नारीय रूप है, यानी वो फीमेल पावर है। एंड इट्स कंपार्टमेंट यंग, एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, और जो यंग है वो विश्व में पुरुष है, यानी विश्व की जो शक्ति है उसका पुरुष रूप है। इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और दाओइज्म सिद्धांत का यही फंडामेंटल है, यानी दाओइज्म सिद्धांत कहता है कि इन ये फंडामेंटल हैं, ये मूल हैं, ये आधार हैं इस संसार के, ये दोनों इस संसार के आधार हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी हड़बड़ी में नहीं पढ़ना आपको, मैं थोड़ा सा किताब के शब्दों से हट के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए,
प्यार से समझिए इसे, व्हाट इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड, पहले मैं किताब के शब्दों में बताता हूँ ठीक है, फिर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूँगा। व्हाट इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। व्हाट इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड मतलब जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, थर्ड मतलब तीसरा, एलिमेंट मतलब तीसरा तत्व है ठीक है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वह एक आवश्यक तीसरा तत्व है। द मिडल वाइड, मिडल वाइड मतलब मध्य शून्य। पेंटिंग में देखिए, पेंटिंग में जैसे ये बुक में ही देखिए, तो ये काला अक्षर है, ये काला अक्षर है, और इनके बीच में ये सफ़ेद स्थान है, तो इसी की बात हो रही है। अब जैसे कोई पेंटिंग होती है तो उसमें जो सफ़ेद स्थान होता है उसकी बात हो रही है, तो मध्य शून्य ठीक है। मिडल वाइड, वेयर देयर इंट्रेक्शन टेक्स प्लेस, वेयर जहाँ पर देयर इंट्रेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर उनका अंतःक्रिया होती है, यानी देखिए जैसे मैं बुक में ही थोड़ा सा गुचुड़ मुचुड़ करता हूँ, जैसे ये पहाड़ है ठीक है, ये पहाड़ है और इसके पास से ये नदी निकली हुई है, तो ये पहाड़ हो गया और ये नदी हो गई, लेकिन ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं इस प्लेस की बात हो रही है, तो ये दोनों मिल करके यहाँ पर ठीक है, तो इस प्लेस की बात हो रही है, ये बीच का स्थान जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, तो मिडल वाइड जो बीच का स्थान होता है, जो बीच का सफ़ेद स्थान होता है या खाली स्थान होता है, वाइड मतलब शून्य भी कह सकते हैं ठीक है, तो मिडल वाइड जो बीच का शून्य स्थान होता है, वेयर देयर इंट्रेक्शन टेक्स प्लेस, वहाँ पर इन दोनों का मिलान होता है, देखिए ये दोनों मिल रहे हैं ना ठीक है, तो जो बीच का स्थान होता है या बीच का शून्य होता है, वहाँ पर इन दोनों का मिलान होता है ठीक है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। दिस कैन बी कंपेयर्ड, इसकी तुलना की जा सकती है या इसका उदाहरण बनाया जा सकता है विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम जो योग होता है, यानी इसकी तुलना योग में प्राणायाम से हम कर सकते हैं। ब्रीद इन, सांस अंदर लो, रिटेन, रुक जाओ, ब्रीद आउट और फिर सांस बाहर छोड़ो। किसी को प्राणायाम करते हुए आप देखिए, वो पहले सांस खींचेंगे, फिर थोड़ी देर सांस अंदर रोकेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, यानी इसकी तुलना योगा में प्राणायाम से हम कर सकते हैं। ब्रीद इन, सांस अंदर लो, रिटेन, रुको, ब्रीद आउट और सांस को बाहर छोड़ो। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज द वॉइड, यानी द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद, यानी जो सांस है, जो ब्रीद है, इज द वॉइड, वो शून्य है। और आसान शब्दों में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि ब्रीद आउट, सांस बाहर छोड़ दो, रिटेन, सांस को रोको, ब्रीद इन, सांस अंदर खींचो। इसको समझ लिया तो ये अगली लाइन समझ गए, ब्रीद इन, सांस अंदर लिया, रिटेन, सांस को अपने अंदर रोका थोड़ी देर, ब्रीद आउट और फिर सांस को बाहर छोड़ दिया। तो कहते हैं द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद, यानी जो हम सांस को अंदर खींचते हैं ना, इज द वॉइड, और फिर सांस को अंदर खींच के थोड़ी देर रोक लेते हैं अपने पास सांस को, तो वही शून्य है, वही स्थान है जिसके बिना योगा नहीं कर सकते, यानी सांस को अंदर खींचने के बाद उसे थोड़ी देर अपने अंदर रोकना है। तो प्रैक्टिस वॉइड वेयर मेडिटेशन अकोर्स, यानी मेडिटेशन अकोर्स, यानी कहने का मतलब है कि वहीं पर असली साधना होती है, वही असली योगा होता है जब हम सांस को अपने अंदर रोकते हैं। द मिडल वाइड इज एसेंशियल, जो हम मिडल वाइड है, यानी जो अपनी सांस को अंदर रोकते हैं, इज एसेंशियल, वो आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखिए अब किताब के शब्दों में बोला, अब थोड़ा सा अपने शब्दों में, कि जैसे सांस को खींचा, ये लाइन है मतलब हमने सांस को अंदर लिया ठीक है, और ये लाइन है मतलब हमने सांस को बाहर छोड़ दिया ठीक है, यहाँ से सांस अंदर आई, यहाँ से निकल गई, लेकिन बीच का स्थान जहाँ पर हमने सांस को रोका, वही मतलब है, वहीं पर अगर हम किसी को कहें कि ये यिन है और ये यान है, तो बीच का स्थान वो है जहाँ पर इन दोनों का मिलन हो रहा है ठीक है, तो अगर मध्य नहीं है तो कुछ भी इसके बिना संभव नहीं है। तो द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, तो हम जब सांस को अपने अंदर रोकते हैं तो उसी दौरान हमारा असली योगा होता है, या फिर किताब को शब्दों में आप कहें तो मैं आपको किताब के शब्दों में भी बता देता हूँ, नहीं तो आपको कुछ दिक्कत होगा। तो कहते हैं श्वास का निलंबन शून्य है जहाँ साधना होती है, इस लाइन का मतलब द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, तो श्वास का निलंबन शून्य है जहाँ पर साधना होती है,
यानी कहने का मतलब कि जब हम सांस को अपने अंदर रोकते हैं तो उसी दौरान हम असली योगा करते हैं। द मिडल वाइड इज एसेंशियल, मध्य का शून्य आवश्यक है, यानी अब सांस को अपने अंदर रोकना आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना आप प्राणायाम नहीं कर सकते, इसके बिना आप सही से योगा नहीं कर सकते, ठीक है। हेंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट, इसीलिए वाइट यानी सफ़ेद स्थान की इम्पॉर्टेंस है अनपेंटेड स्पीच, जिसे पेंट नहीं किया जाता, यानी बिना पेंट किया गया सफ़ेद स्थान, चाइनीज लैंडस्केप, चाइनीज पेंटिंग में इसीलिए बिना पेंट किए गए खाली सफ़ेद स्थान का महत्व है, यानी सफ़ेद जो है वो पूरक है। कहने का मतलब उस सफ़ेद स्थान पे सभी आकर मिलते हैं, सबका मिलाप होता है, ठीक है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यानी जो सफ़ेद स्थान है उसकी बात हो रही है कि दिस इज ऑल्सो वेयर, ये वही स्थान है, मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, जहाँ पर मनुष्य की मूल भूमिका है, मनुष्य की मुख्य भूमिका इसी स्थान पर है। इन दैट स्पेस, इस स्थान पर, बिटवीन हीवन एंड अर्थ, स्वर्ग और धरती के बीच इस स्थान पर, ही बिकम्स द कंडिट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स, ये दोनों ध्रुवों पोल्स के बीच बातचीत करने का साधन है, या फिर कम्युनिकेशन, कंडिट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आप चैनल भी बोल सकते हैं, जैसे टीवी पर चैनल होते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति बोल रहा है, ये टीवी है हमारा और हम इस टीवी के सामने बैठे हुए हैं, तो ये हम हो गए, ये व्यक्ति हो गया ना, और ये हमारी टीवी हो गई। तो ये व्यक्ति बोलेगा तो इस टीवी के माध्यम से हम भी इसकी बात को सुन सकते हैं, उसी तरह से ये स्वर्ग हो गया, ये पृथ्वी हो गई, और जो मनुष्य है वो चैनल है, वो मध्य का भाग है जिसके माध्यम से दो लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है। तो इन दैट स्पेस बिटवीन हीवन एंड अर्थ, तो धरती और आकाश के बीच इस स्थान पर, यानी इस स्पेस में, इस स्थान पर, ही बिकम्स द कंडिट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, तो वो ब्रह्मांड के दोनों पोलों के बीच बातचीत का साधन बन जाता है, बातचीत का चैनल बन जाता है, यानी मनुष्य एक महत्वपूर्ण भाग है। फिर से, इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, तो आकाश और पृथ्वी के बीच जो ये स्थान है, ही बिकम्स द कंडिट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, तो वो, सॉरी फोन आ गया था, तो इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, तो धरती और आसमान के, यानी स्वर्ग और धरती के बीच इस स्थान पर, ही बिकम्स कंडिट कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, तो वो ब्रह्मांड के इन दोनों ध्रुवों के बीच बातचीत का एक साधन बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, यानी मनुष्य की उपस्थिति अनिवार्य है, इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, भले ही उसका आभास ही हो, मनुष्य की उपस्थिति आवश्यक है, भले ही हमें उसका आभास ही हो, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, तो फार फ्रॉम, देखिए फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, खो जाना, अप्रेस्ड मतलब गुम हो जाना, तो एक ही बोलिए, चाहे खो जाना बोलिए या गुम हो जाना बोलिए, तो फार फ्रॉम लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, लॉफ्टी पीक्स ऊंची चोटियों के बीच खो जाने की बात फार फ्रॉम दूर की है, ऊंची लॉफ्टी पीक्स ऊंची चोटियों के बीच, पर्वतों की ऊंची चोटियों के बीच, लॉस्ट बोलिए खो जाना, और अप्रेस्ड मतलब गुम हो जाना या दब जाना, तो दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, तो एक ही बोलिए, तो ऊंची पहाड़ी चोटियों के बीच खो जाने की बात तो बहुत दूर की है, फार फ्रॉम, ये तो बहुत दूर की बात है, यानी मनुष्य जो है उसे गायब नहीं किया जा सकता, तो ऊंची पर्वत चोटियों के बीच खो जाने की बात तो बहुत दूर की है, ही इज, उसकी यानी पुरुष की, मनुष्य की, ऊंची पहाड़ी चोटियों के बीच खो जाने या गायब हो जाने की बात तो बहुत दूर की है, इन फ्रांसिस चैंग, वंडरफुल एक्सप्रेशन, फ्रांसिस चैंग के एक्सप्रेशन में, फ्रांसिस चैंग के अद्भुत व्यक्त किए गए अभिव्यक्ति में, द आई ऑफ लैंडस्केप, वह लैंडस्केप की आई है, लैंडस्केप की आंख है, यानी उसे गायब नहीं किया जा सकता। देखिए कितना बड़ा महत्व बताया गया कि अगर आंख ना हो
तो आप संसार को देख ही नहीं सकते। उसी तरह से अगर मनुष्य ना हो तो संसार का कोई महत्व है नहीं। मतलब संसार का महत्व है भाई, एक शरीर में आँख ना होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि शरीर बेकार हो गया। उसके पास हाथ हैं, कान हैं, मुंह है, बाल है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन आँख जो है वो मुख्य भाग निभाती है, भूमिका निभाती है। तो वही कहते हैं कि फ्रांसिस्को चैंग्स के वंडरफुल एक्सप्रेशन, फ्रांसिस्को चैंग्स के अनुसार ही इज वहाँ द आई ऑफ द लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी भूदृश्य की आँख है ये, भूदृश्य, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, आप चाहे तो पेंटिंग बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आगे एक लेख निकाला गया था हिंदुस्तान टाइम्स में, इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पर आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। बस और कुछ है नहीं, ये बेकार की चीज़ों से एक गार्डन बनाया गया था, उसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख निकाला गया और वही यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो आपको इसके आगे नहीं पढ़ना है, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में, हिंदी में आ जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।